हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग हर हर महादेव सभी को। सो गाइज़, आज था मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम, तो हमेशा की तरह मैं निकल गई थी 1 घंटे पहले। और यहाँ पर देखा तो बहुत कम लोग आए थे, क्योंकि जब फर्स्ट डे एग्ज़ाम था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब सबको पता चल गया कि 2 बजे का एंट्री का टाइम है, तो सभी मतलब लेट से आना फिर स्टार्ट कर दिए। लेकिन मैं हमेशा की तरह पहले जाने लगी, और मतलब फिर 144 पे एंट्री भी हो गई थी। ऐसा नहीं है, मेरी फ्रेंड आई थी, एक फ्रेंड आई थी, बाकी बोले थे कि 2 बजे आएंगे सभी। यहाँ थोड़ी स्मेल सी आ रही थी, पता नहीं कैसे, जैसे कोई जानवर मर गया हो। फिर हम उधर चले गए गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे खाकर फिर हमने देखा कि गेट मतलब खुलने ही वाला था, तो फिर हमने सोचा कि सही टाइम पर ही हम आए। ई रिक्शा में हम बैठ गए थे, ई रिक्शा में बैठ कर हम पढ़ रहे थे, तो अंकल को लगा कि हम सवारी हैं। तो एक और लड़की बैठ गई, तो अंकल ने बोला 3 सवारी हो गई, एक और चाहिए बस। हमने बोला कि वो हम सवारी नहीं अंकल, हम बस बैठ कर पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला बैठे रहो, लेकिन हम वहाँ से फिर उतर आए। सभी फ्रेंड्स के पास था पॉल साइंस, बस मेरे पास था हिस्ट्री, तो हम आपस में डिस्कस भी नहीं कर सकते थे एक दूसरे के सब्जेक्ट के बारे में। फिर उसके बाद हमारी एंट्री होनी स्टार्ट हो गई, टीचर्स वगैरह सब आ गए थे। और फिर उसके बाद हम अपना रूम नंबर ढूंढने लगे सभी लोग कि किस रूम नंबर में बैठे। मेरा तो बिल्कुल अलग था, क्योंकि मेरे पास थी हिस्ट्री, और मेरी फ्रेंड्स का बिल्कुल अलग था। उनका एक रूम बिल्कुल साथ में था, तो उनका बिल्कुल अलग था और मेरा बिल्कुल अलग था। तो सभी ने अपना अपना रूम देखा। जो फ्रेंड्स नहीं आई थी, हमने उन्हें फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दी थी व्हाट्सएप पे कि अपना रोल नंबर चेक कर लें, ताकि यहाँ पर आएंगे तो लेट हो जाएगा चेक करने में और टाइम से अपने पेपर के लिए बैठ जाएं। सो गाइज, फिर मेरा हो गया एग्ज़ाम डन, क्यों मेरा एग्ज़ाम हो गया था 15 मिनट पहले। हिस्ट्री का था, अच्छा था, थ्योरी एग्ज़ाम था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड सारी एग्ज़ाम दे ही रही थी, और बाहर फिर कुछ लड़कियां थी, हम सब ने आपस में बात की, डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैं निकल आई घर के लिए। मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर रात हो जाती है, इसलिए फिर मैं निकल आई घर। और मौसम बहुत प्यारा लगता है इवनिंग का, जब सब लड़कियाँ, और मतलब ये प्यारा सा कॉलेज देख कर बहुत सारी यादें जुड़ गई इस कॉलेज से। बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है इस मौसम में मुझे, मतलब कॉलेज जाना और कॉलेज में टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वही जब गर्मी का टाइम हो तो हालत बेकार हो जाती है, पसीने ही संभालते रहो। फिर उसके बाद मैं निकल गई घर, और घर के लिए जब मैं निकल रही थी तो मैं ग्रामीण सेवा में ने ली थी, जो कि सिर्फ 10 रुपये में हमें मेट्रो तक पहुँचाती है, वहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है कॉलेज का। मैंने मुझे पता भी नहीं चला कि इसी ग्रामीण सेवा में मेरी क्लासमेट भी बैठी हुई है, नहीं तो हम दोनों बात करते करते ही आते, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर उसके बाद जब मैं मेट्रो लेने गई तो वो दिखी, तो उसके साथ ही गई थी मैं, और वो जो बैग का कुछ ब्लॉक्स बनाए थे उसी ने बनाए थे। उसके बाद जब वो मिल गई तो हम दोनों साथ में बातें करते 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 बहुत सारी बातें करते करते हम जाने लगे। लेकिन उसका अलग रूट था, उसका रिठाला की तरफ था, मेरा शहीद स्थल की तरफ था, तो वो मतलब थोड़ी देर का ही मिलन था ये मान लो आप। हमने ये भी सोचा कि यहाँ से कुछ खा लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद टाइम वेस्ट होता, मतलब बहुत ज़्यादा रात होती, तो हमने सोचा फिर घर चल कर ही खाएंगे। उसके बाद मैं शहीद स्थल का टोकन लेने चली गई, क्योंकि मैं अपना मेट्रो कार्ड भूल चुकी थी घर पर ही, किसी मैंने पर्स में बैग में पहले ही डाल दिया था, मुझे इतना याद नहीं था कि मतलब मैंने रखा है या नहीं रखा है। फिर इसके बाद इन भैया को पता चला कि मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हंसने लगे, बोले कि हमारे साथ भी बना लो। फिर उन्होंने दिखाया ये, तो बहुत अच्छा लगा। जो भी ब्लॉग्स देखता है मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और बोलता है कि हमें भी दिखाओ, हमें भी सब्सक्राइब करना है चैनल, ये सब मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बनाते रहो और कोई बोलता है। तो फिर उसके बाद हम दोनों का रूट चेंज हो गया, वो रिठाला की तरफ चली गई, मैं चली गई शहीद स्थल की तरफ। हाय गाइस, हेलो गाइस, हाय गाइस, मैं जा रही हूँ मेट्रो लेने, देखते मेट्रो आई है कि नहीं, लेट मी चेक। अभी रिठाला वाली आ गई है, शहीद स्थल वाली नहीं आई है।
एंड ये है मेट्रो स्टेशन। गाइज फाइनली मेरी भी मेट्रो आ गई शहीद स्थल वाली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वैसे भी रेड लाइन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि शहीद स्थल है जो मतलब लास्ट मेट्रो है स्टेशन है इसलिए। फिर उसके बाद बाकी लोग उतर रहे थे, मैं चढ़ी, उसके बाद व्यू बहुत अच्छा लग रहा था विंडो से और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद मैं शहीद स्थल पहुंच गई, सब पूरा मेट्रो खाली हो गया, सभी उतरने लगे। उसके बाद मैं यहाँ का व्यू लेने लगी कि मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे इवनिंग टाइम, और देखा तो बहुत लोग जा रहे थे एक साथ भीड़ में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक कर चलते हैं जब तक अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिया पूरा व्यू, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ठंड तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, मतलब कैप लगाने की भी नीड नहीं थी, ऐसी ठंड थी। उसके बाद जब मैं ब्लॉग्स बना रही थी तो एक लड़का पीछे से हाई करने लगा, उसे पता चल गया था कि मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ। तो मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि जब ब्लॉग्स आप बनाते रहोगे, कोई भी जो भी ब्लॉग्स बनाता है जब वो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ख़ुद को भी मतलब चाहते हैं कि हम भी उन्हें लें अपने ब्लॉग्स में। और हमेशा की मेरी आदत है जब मैं मेट्रो से उतरती हूँ तो बहुत धीरे धीरे जाती हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग्स बनाना होता है, मतलब अपना पूरा वीडियो कंप्लीट करना होता है इसलिए। और उसके बाद जब मैं वीडियो बंद करती हूँ मैं इतनी तेज़ स्पीड में जाकर लाइन के बीच में घुसकर एग्जिट लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है, मतलब सबको पीछे कर देती हूँ। और अब ज़्यादा टाइम होता जा रहा था तो मेरी भूख भी बढ़ती जा रही थी, तो मैंने सोचा बाहर चल के कुछ खाते हैं। उसके बाद जब मैं बाहर गई तो मैं ढूंढने लगी कि मैं क्या खाऊं। वहाँ पर मतलब मूंगफली वगैरह मिल रहे थे तो मुझे मूंगफली खाने का मन नहीं था, मैंने सोचा रियल जूस लेती हूँ, लेकिन अंकल के पास सिर्फ पेप्सी थी, कोका कोला थी, ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पीती, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है। कोका कोला मतलब कोई भी फेंटा वेंटा ये सब कोल्ड ड्रिंक्स बहुत बेकार होती हैं, तो इसलिए मतलब कोई रियल जूस पी लो या तो कोई फ्रूट जूस पी लो, ये सब बेटर रहते हैं। तो उसके बाद मैंने लिया नहीं। फिर मैं आगे गई, मैंने देखा कि मतलब शकरकंद मिल रहा था, बहुत अच्छा था वो, मुझे लगा कि मतलब अच्छा भी रहेगा हेल्थ के लिए भी और मतलब इससे पेट भी भर जाएगा। तो अंकल बनाने लगे और अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैंने मतलब उनसे बनवाया 10 रुपये का क्योंकि वो बहुत हैवी सा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनवाया। फिर उसके बाद मैंने जब खाया तो अंकल ने बोला कि मतलब अंकल पैसे लेने को भी तैयार नहीं थे, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर था उनका और जितना भी उन्होंने भगोने में बनाया था वो मेरे को फ्री में सारा डाले जा रहे थे। और वो मैंने उनसे बहुत सारी बातें भी की कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर डेली लगाता हूँ, मतलब वो चाह रहे थे कि मैं डेली खाने आऊँ, बहुत अच्छे थे, एजेड थे। उसके बाद ये मेरा बनकर रेडी हो गया। उसके बाद अंकल को मैंने बोला कि अंकल मैं आपके शकरकंद का ऐड कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, तो अंकल बहुत ज़्यादा हंसने लगे और खुश हो गए। उसके बाद मैंने अंकल से राधे राधे किया और बाय किया, फिर मैं लेने चली गई ऑटो। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विथ मी, बाय।